हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने एक नई सीरीज़ चालू की है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फाइव थाउजेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग तीन वीडियोस मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए हैं ये सीरीज़ का फोर्थ वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर वन टू टू सो टू वीडियो इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल सो so, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसकी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की बेस्ड ऑन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल सो लेट स्टार्ट द वीडियो सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन द टूल लाइफ इज अफेक्टेड बाय ऑप्शन डेफ्थ ऑफ कट कटिंग स्पीड फीड ऑल ऑफ दिस सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस बिकॉज आपकी जो टूल लाइफ है ये सारे फैक्टर पर डिपेंड है डेफ्थ ऑफ कट कटिंग स्पीड एंड फीड सो आप यहाँ पे देख सकते हो वॉट इज डेफ्थ ऑफ कट हेयर

टूल लाइफ है ये सारे फैक्टर पे डिपेंड है डेफ्थ ऑफ कट कटिंग स्पीड एंड फिट सो आंसर इज़ ऑल ऑफ़ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन अ सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली हैव द आंसर इज जीरो रेक एंगल ओके अगर आप लेथ मशीन पे थ्रेड कटिंग कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल सो उसमें जो रेक एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए जीरो रेक एंगल ओके सो नाउ व्हाट इज रेक एंगल सो रेक एंगल वी कैन क्लासीफाई इन टू थ्री टाइप्स दैट इज़ पॉजिटिव रेक निगेटिव रेक एंड जीरो रेक अब सबके कुछ प्रोज एंड कॉन है जैसे कि पॉजिटिव रेक पॉजिटिव रेक में जो है इट रिड्यूसेज द शीयर स्ट्रेन देन लो पावर कंजम्पशन क्योंकि आपके टूल का टिप जो है वो थोड़ा पॉइंटेड हो जाता है विथ पॉजिटिव रेक एंगल सो पावर कम लगने वाला है लो कटिंग फोर्सेज अगेन बिकॉज ऑफ दैट पॉइंटेड टिप वह एंगल आपने कम कर दिया है लीप एंगल लेस कटिंग फोर्स ठीक है लेस टेंडेंसी ऑफ बिल्ट अप एज देन लो कटिंग टेम्परेचर टेम्परेचर भी कम जनरेट होता है एंड कंटीन्यूस चिप्स जब आप मशीनिंग करोगे विथ पॉजिटिव रेक एंगल कंटिन्यूस चिप्स वहाँ पर प्रोड्यूस होंगी ना निगेटिव रेक एंगल स्ट्रांग टूल टिप क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मटीरियल बन रहा है लिप एंगल आपका बढ़ रहा है ओके सो स्ट्रॉग टूल टिप देन लॉन्गर टूल लाइफ अगर वहाँ पर ज़्यादा मटीरियल है मतलब टूल लाइफ भी ज़्यादा आपको मिलेगी सुटेबल फॉर ओल्ड मशीन जो भी पुरानी मशीन है उसके लिए सुटेबल है यूज हाई फीड एंड डेफ्थ ऑफ कट अगेन यू कैन गिव मोर फीड एंड मोर डेफ्थ ऑफ कट विथ नेगेटिव रेक एंगल एंड हाई प्रोडक्टिविटी क्योंकि आप ज़्यादा फीड दे रहे हो ज़्यादा डेफ्थ ऑफ कट दे रहे हो तो आपको प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा मिलेगी विथ नेगेटिव रेक एंगल देन जीरो रेक एंगल ईजी टू डिज़ाइन अब इसमें आपको कोई एंगल सेट करना ही नहीं है सो इट इज़ ईजी टू डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर देन ईजी टू रीशार्पन ओके कोई एंगल आपको मेनटेन नहीं करना है सो so, ब्लंट होने के बाद आप अच्छे से उसको रीशार्प कर सकते हो एंड इजी टू एनालाइज ओके सो ये हो गए रिलेटिव बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एंड रेक जीरो रेक एंगल नेक्स्ट क्वेश्चन द सर्फेस ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑन विच द चीफ फॉर्म इन कटिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड एज ओके मतलब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जब आप मशीनिंग करोगे तो चिप्स कौन से सरफेस पे फ्लो होती है सो so इसका आंसर है फेस ऑफ द कटिंग टूल ओके सो so, ये जो पोर्शन है इसे कहेंगे फेस ऑफ द कटिंग टूल तो जब ही ये टिप जो है कॉन्टैक्ट में आएगा तो आपकी कटिंग चिप्स जो है वो ऐसी फ्लो होने वाली है सो कटिंग चिप्स जो है ओके okay, वो चिप्स uh, जो है वो ऐसे सरफेस के ऊपर से फ्लो होंगे और इस सरफेस को कहेंगे फेस ऑफ द कटिंग टूल नेक्स्ट क्वेश्चन द पॉइंट एट विच द कटिंग टूल रीचेस बियॉन्ड विच इट विल नॉट फंक्शन सेटिस्फैक्ट्रिली ंटिल इट इज री ग्राउंड इज कॉल्ड एज ओके मतलब एक ऐसा पॉइंट कि जिसके बाद आप वो कटिंग टूल यूज नहीं कर सकते हो आ, मशीनिंग के लिए पहले आपको उसे शार्प करना होगा बाद में आपको उसे यूज करना होगा उस पॉइंट को क्या कहते हैं तो उस पॉइंट को कहेंगे टूल फेल्यूअर नेक्स्ट क्वेश्चन विच कटिंग कंडीशन अफेक्ट द कटिंग टेम्परेचर प्रीडोमिनेटली ओके कटिंग टेम्परेचर मोस्टली इनमें से कौन से फैक्टर पर डिपेंड है सो द आंसर इज कटिंग स्पीड सो कटिंग टेम्परेचर जो है वो मोस्टली डिपेंड होता है सबसे ज्यादा डिपेंड होता है कटिंग स्पीड के ऊपर बाकी भी फैक्टर पे वो डिपेंड होता है लेकिन सबसे ज्यादा वो डिपेंड होता है कटिंग स्पीड के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन इन मेटल कटिंग ऑपरेशन मैक्सिमम हीट दैट इज 80 टू 85 फाइव परसेंट इज जनरेटेड इन जब आप मशीनिंग कर रहे हो तो 80 टू 85 फाइव परसेंट हीट कहाँ पर जनरेट होता है सो द आंसर इज शीयर शीयर जोन जोन में मैक्सिमम हीट जो है वो जनरेट होता है ओके okay? सो so ये जो पोर्शन है इसे कहते हैं शीयर जोन ओके okay? यहां पे मैक्सिमम हीट जनरेट होगा मैक्सिमम हीट क्यों जनरेट होगा क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यह है नोज से यहां से चिप्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुई फिर चिप आपका इसके कॉन्टैक्ट में भी है फेस के सो मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां पे होने वाला है सो मैक्सिमम हीट इज जनरेटेड इन शीयर जोन एरिया नेक्स्ट क्वेश्चन अ कटिंग टूल इज सिंगल पॉइंट मल्टी पॉइंट बोथ ए एंड बी पॉइंटलेस सो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी सो कटिंग टूल आपका सिंगल पॉइंट भी हो सकता है मल्टी पॉइंट भी हो सकता है जैसे ये एक्जाम्पल है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का क्योंकि जो कटिंग है सिर्फ एक ही पॉइंट से हो रहा है इसलिए इसको कहते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड दिस इज योर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यह है मिलिंग कटर इसमें देखिए नंबर ऑफ कटिंग पॉइंट्स है ओके सो अ कटिंग टूल कैन बी अ सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज़ यूज इसमें से कौन से ऑपरेशन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ होता है मिलिंग लेथ ड्रिलिंग ब्रोचिंग सो द आंसर इज लेथ लेथ मशीन पे जो ऑपरेशन हो रहा है जैसे टर्निंग हो गया या बाकी ऑपरेशन है जिसपे आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ होगा तो पहला एग्जाम्पल था अपना मिलिंग ये मिलिंग कटर है सो ऑब्वियसली यहाँ पर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स यूज होते हैं दैट इज़ मिलिंग कटर लेथ में आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करोगे ड्रिलिंग में ड्रिल बेट यूज हो रहा है राइट right? लेकिन यहाँ पे भी मल्टी पॉइंट्स यहाँ से भी कटिंग होगा और यहाँ के एजेस से भी कटिंग होगा और ब्रोचिंग में भी मल्टी पॉइंट्स है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सिंगल पॉइंट टूल द आंसर इज ऑल ऑफ द अबो दैट इज सॉलिड टाइप टिप टाइप इंडेक्सेबल इंसर्ट टाइप अब देखते हैं वन बाय वन ये हो गया आपका सॉलिड टूल मतलब सारा कटिंग टूल जो है एक ही मटेरियल का बना हुआ है इसलिए इसको कहते हैं सॉलिड टाइप देन सेकेंड वन इज टिप टाइप अब देखिए यहाँ पे ये मटेरियल अलग है शैंक का और ये टिप का मटेरियल अलग है सो so इसे कहते हैं टिप टाइप एंड देन इंडेक्सेबल इंसर्ट टाइप अब देखिए ये मटेरियल अलग है ब्लैक कलर का और यहाँ पे ये इंसर्ट लगा हुआ होता है जो आप इस एलन की से निकाल भी सकते हो हेंस इट इज़ नोन एज इंडेक्सेबल इंसर्ट टाइप सो द आंसर इज ऑल ऑफ अबोव नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल एंड द लाइन पैरल विद बेस ऑफ द टूल मेजर्ड इन ए परपेंडिकुलर प्लेन थ्रू द साइड कटिंग एज ओके ये एक डेफिनेशन है तो ये कौन सा एंगल है इस एंगल को कहेंगे बैक रेक एंगल ओके ये डेजिग्नेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अलग अलग एंगल्स पूरे याद रखने चाहिए सो बैक रेक एंगल यहाँ से समझते हैं ये देखिए ये हो गया आपका बैक रेक एंगल सो ये जो फेस है ये फेस थोड़ा ऐसे डाउनवर्ड है ओके okay? सो so, ये जो फेस है और अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस बेस को पैरेलल ये लाइन ये दो लाइन देखिए यहाँ पे पैरेलल है सो so, जो भी एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है एक परपेंडिकुलर प्लेन में इस प्लेन में इस परपेंडिकुलर प्लेन में जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस प्लेन में इस परपेंडिकुलर प्लेन में उसे कहते हैं बैक रेक एंगल सो द एंगल बिटवीन फेस ऑफ द टूल एंड द लाइन

ओके सो यहां पे थोड़ा करेक्शन है इसे कहते हैं साइड रिलीफ एंगल ओके साइड रिलीफ एंगल यहां पे आप करेक्शन कर लीजिए साइड रेक एंगल नहीं होना चाहिए रिलीफ एंगल तो साइड रिलीफ एंगल देखिए यहां पे है ये हो गया आपका साइड रिलीफ एंगल राइट सो ये फेस और ये जो फेस है ये भी अंदर इंक्लाइंड होगा तो इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसे कहते हैं साइड रिलीफ एंगल नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज द एंगल दैट अलाउज द टूल टू कट विदाउट रबिंग ऑन द वर्क पीस उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं एंड रिलीफ एंगल अब देखिए एंड रिलीफ एंगल यहां से समझ लीजिए अब ये जो फेस है ये भी अंदर के साइड झुका होगा राइट right? और एक यहां से अगर आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया तो इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म होगा उसे कहते हैं एंड रिलीफ एंगल अब एंड रिलीफ एंगल क्यों प्रोवाइड किया है क्योंकि यहाँ से एक्चुअल आपका इस फ्लैंग से कटिंग हो रहा है राइट right? सो so, ये जो फेस है ये वर्क पीस को टच हो सकता है ड्यूइंग मशीनिंग तो वो टच ना हो इसलिए इसको थोड़ा सा अंदर में झुकाया जाता है तो यहाँ पे जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है उससे कहते हैं एंड रिलीफ एंगल नेक्स्ट क्वेश्चन द कटिंग टूल रिमूव द मेटल फ्रॉम द वर्क पीस इन फॉर्म ऑफ ओके कौन से फॉर्म में मटेरियल रिमूव होता है सो द मटेरियल इज रिमूव इन फॉर्म ऑफ चिप्स जो भी आपका बाय प्रोडक्ट निकल रहा है उसे कहते हैं चिप्स देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया चिप्स सो द मटेरियल इज रिमूव ड्यूरिंग मशीनिंग इज नोन एज चिप्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ चिप फॉर्म वेल मशीनिंग ऑफ ब्रिटल मटीरियल ब्रिटल मटीरियल का मशीनिंग करते टाइम कौन सी चिप्स प्रोड्यूस होती है द आंसर इज डिसकन्टीन्यूअस चिप्स ओके सो यहाँ पे टाइप ऑफ चिप्स आप देख सकते हो इसे कहते हैं कंटिन्यूस चिप्स जो ब्रेक नहीं होंगी कंटिन्यू ऐसे निकलती जाएगी सो दैट इज नोन एज कॉन्टीन्यूस चिप्स ये है डिसकन्टीन्यूस चिप देखो मशीनिंग हो रहा है लेकिन चिप्स जो है टुकड़े टुकड़े में निकल रही है एंड दिस इज़ नोन एज चिप्स विथ बिल्टअअप एज मतलब कुछ चिप का जो पोर्शन है वो आपके कटिंग टूल के फेस को लग रहा है कुछ मटेरियल वहाँ पे एडर हो रहा है सो दैट इज नोन एज बिल्टअअप एज सो यहाँ पे आंसर uh, है डिसकंटिन्यूस टिप्स नेक्स्ट क्वेश्चन द एंगल बिटवीन साइड कटिंग एज एंड एंड कटिंग एज इज कॉल्ड एज ओके द एंगल बिटवीन साइड कटिंग एज एंड एंड कटिंग एज सो उसे कहेंगे नोज एंगल अब देखिए यहाँ पे यह हो गया आपका साइड कटिंग एज सॉरी यह हो गया आपका साइड कटिंग एज और यह हो गया एंड कटिंग एज साइड कटिंग एज एंड एड एंड कटिंग एज इन दोनों में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसे कहेंगे उसे हम लोग कहेंगे नोज एंगल नेक्स्ट क्वेश्चन टूल लाइफ इन ऑर्थोगोनल कटिंग इज ओके सो द आंसर इज इट इज लेस देन द टूल लाइफ इन ऑब्लिक कटिंग सो टूल लाइफ जो है ऑर्थोगोनल कटिंग में जो है आपको कम टूल लाइफ मिलेगा मतलब आपका टूल कम चलेगा वेयर एज इन ऑब्लिक कटिंग आपका टूल ज़्यादा चलेगा अब देख लेते हैं ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक कटिंग ये फर्स्ट जो एग्जाम्पल है ये है ऑर्थोगोनल कटिंग जिसमें आपका जो कटिंग एज है वो एग्जैक्टली exactly परपेंडिकुलर है इस वर्क पीस को देखिए पे राइट एंगल पे है आपका कटिंग टूल वही ऑब्लिक में वो राइट एंगल पे नहीं है अब देखिए मैक्सिमम कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ पर हो रहा है ये एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट हो रहा है वर्क पीस के साथ यहाँ पर सिर्फ टिप के साथ ही कॉन्टैक्ट हो रहा है ये कॉन्टैक्ट आपने अवॉइड किया ऑब्लिक कटिंग में जिसके वजह से टूल लाइफ ऑर्थोगनल कटिंग में कम होगा वेयर एज इन ऑब्लिक कटिंग आपको टूल लाइफ ज्यादा मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन द कटिंग टूल वियर्स ड्यू टू ऑप्शन आर एज वेयर क्रेटर वेयर फ्लैंक वेयर ऑल ऑफ द अबोव सो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबोव ये ऑप्शन थे आंसर है ऑल ऑफ द अबोव सो कटिंग टूल वेयर इज ड्यू टू एज वेयर क्रेटर वेयर एंड फ्लैंक वेयर अब वो समझ लेते हैं कि वेयर क्या है अब देखिए अगर ये फेस के ऊपर आपका अगर वियर हो रहा है तो उसे कहते हैं क्रेटर वियर ये क्यों होगा क्योंकि चिप्स ऐसे फ्लो हो रही है सो so, ये ये जो सरफेस है वो वियर होगा उसके बाद नोज़ वियर नोज़ कॉन्टैक्ट में आ रहा है सो so, वहाँ पर होगा उसके बाद ये दोनों फ्लैंक्स है ये दोनों भी कॉन्टैक्ट में आ रही है कम पोर्सन में आ रही है लेकिन कॉन्टैक्ट में आ रही है सो so, यहाँ पर भी वियर होगा सो दैट इज़ फ्लैंक वियर सो इन सारों को क्या कहेंगे कटिंग टूल वियर सो कटिंग टूल आपका कहाँ पे डिपेंड रहेगा एज वियर पे क्रेटर वियर पे और फ्लैंक वियर पे नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द मेटल कटिंग मोस्ट ऑफ द मेटल कटिंग हीट गोज इन टू द जब आप मशीनिंग करोगे तो मैक्सिमम हीट कहाँ पे जाती है या फिर कहाँ से डिसिपेट होती है सो द आंसर इज मूविंग चिप्स ओके मैक्सिमम हीट जो है वो चिप के थ्रू बाहर जाती है अब ये कटिंग हो रहा है ये आपकी चिप है ये ऐसे बाहर निकल जाएगी सो मैक्सिमम हीट जो है चिप के थ्रू डिसिपेट हो जाएगी कुछ हीट एटमोस्पियर में जाएंगी कुछ हीट आपके कटिंग टूल में जाएगी कुछ हीट आपके वर्क पीस में जाएंगी लेकिन मैक्सिमम जो हीट है वो चिप के थ्रू डिसिपेट होगी नेक्स्ट क्वेश्चन अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूवल इज मैक्सिमम इन ओके द आंसर इज ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग में जो है सबसे ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है एज कंपेयर टू अदर ऑपरेशन दैट इज टर्निंग मिलिंग एंड रिनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन मशीनेबिलिटी ऑफ़ द स्टील इज इम्प्रूव बाय द एडिशन ऑफ मशीनेबिलिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ ए मटीरियल टू गेट मशीन कितना ईजिली वो मशीनिंग हो पा रहा है अब वो कैसे इम्प्रूव करोगे आप सो विद द एडिशन ऑफ सल्फर सिलिकॉन एंड फॉस्फरस सो द आंसर इज ऑल ऑफ दबो आप उस मटीरियल में सल्फर सिलिकॉन फॉस्फरस एड करोगे जिसके वजह से मशीनिंग उसका इम्प्रूव होगा नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली निगेटिव रेक एंगल आर यूज विद द फॉलोइंग टूल मटीरियल सिर्फ नेगेटिव रेक एंगल यूज होता है ऐसा कौन सा मटेरियल है सो द आंसर इज डायमंड ओके कार्बाइड में भी नेगेटिव रेक एंगल यूज होता है लेकिन उसमें पॉजिटिव भी यूज होता है दोनों कटिंग एंगल्स हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन डायमंड्स जो है उसमें सिर्फ नेगेटिव रेक एंगल यूज़ होगा डायमंड सबसे हार्ड मटेरियल है एज़ यू नो और उसमें हम लोग सिर्फ नेगेटिव रेक एंगल यूज़ करते हैं ओके okay? सो so यहाँ से आप समझ सकते हो ये हो गया आपका पॉजिटिव रेक एंगल देखिए ये पॉजिटिव रेक एंगल और ये हो गया आपका नेगेटिव रेक एंगल इस फेस से आप उससे देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन इन मेटल कटिंग द अप एज फॉर्मेशन रिजल्ट इन ओके हम लोगों ने चिप्स डिस्कस किए थे तीन टाइप के कॉन्टीन्यूअस डिसकॉन्टीन्यूअस एंड बिल्टअप एज सो बिल्टअप एज का क्या फ़ायदा है सो so, उसका फ़ायदा है इम्प्रूवमेंट इन टूल लाइफ टूल लाइफ जो है यहाँ पे इम्प्रूव होती है अब बिल्ट अप देखिए इस फिगर से बहुत अच्छे से समझ में आएगा सो so, जो चिप प्रोड्यूस होती है ये चिप्स प्रोड्यूस हो रही है उसका कुछ पोर्शन जो है इस कटिंग टूल के ऊपर चिपक जाएगा कुछ पोर्शन मान लो आपके मशीन सर्फेस पर चिपक जाएगा अब अगर वो मशीन सर्फेस पर चिपक चिपकेगा तो आपका जो सर्फेस फिनिश है वो ख़राब आपको मिलेगा लेकिन कुछ पोर्शन अगर फेस पे अटैच होता है तो ऑब्वियसली क्या होगा आपके कटिंग टूल की लाइफ इंप्रूव होगी क्योंकि एक्स्ट्रा कोटिंग उसके ऊपर ऐड हो रहा है ओके सो इन मेटल कटिंग बिल्ट अप एज फॉर्मेशन रिजल्ट इन इंप्रूवमेंट इन टूल लाइफ अल्टीमेटली क्या हो रहा है टूल लाइफ आपकी इंप्रूव हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन द कटिंग स्पीड इज रिलेटेड टू टूल लाइफ एज सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखिए ग्राफ है ग्राफ बिटवीन टूल लाइफ एंड कटिंग स्पीड सो जैसे जैसे कटिंग स्पीड बढ़ेगा वैसे टूल लाइफ आपका कम होते जाएगा सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लडिंग इज द मेथड इन विच फ्लडिंग ओके सो अ लो वॉल्यूम ऑफ कटिंग फ्लूड इज अप्लाइड ऑन फ्रंट ऑफ द चीप अब देखिए यहां पर ये इसको कहते यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है हाई वॉल्यूम ऑफ कटिंग फ्लूड होना चाहिए यहाँ पे करेक्शन प्लीज कर लीजिए हाई वॉल्यूम ऑफ कटिंग फ्लूड इज अप्लाइड उसे कहते हैं फ्लडिंग मतलब बहुत सारा कटिंग टूल आप कटिंग ऑयल आप यूज़ कर रहे हो ड्यूरिंग मशीनिंग तो उसे कहते हैं फ्लडिंग ओके बहुत एक्सेस यहाँ पे देखिए तीन पाइप से आप कटिंग ऑयल डाल रहे हो सो so उसे कहते हैं फ्लडिंग कंडीशन नेक्स्ट क्वेश्चन हॉट हार्डनेस इज इसेंशियल प्रॉपर्टी फॉर हॉट हार्डनेस किसका इसेंशियल प्रॉपर्टी है सो दैट इज टूल मटीरियल ओके टूल मटीरियल में हॉट हार्डनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेक्स्ट क्वेश्चन कटिंग पावर कंजम्पशन इन टर्निंग कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस बाय पावर कंजम्पशन आप कैसे कम कर सकते हो मशीनिंग में सो इनक्रीजिंग द रेक एंगल जितना रेक एंगल आप बढ़ाते जाओगे उतना आपका जो टूल टीप है वो पॉइंटेड होगा और अगर वो पॉइंटेड है तो ऑब्वियसली आपको कम पावर लगेगा ड्यूरिंग मशीनिंग सो द आंसर इज इंक्रीजिंग रेक एंगल नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ अच्छा इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि रेक एंगल देखिए अगर मैं ये ये जो फेस है इसको मैं और कम करते जाऊँगा मान लो ये ऐसे फेस है तो ऑब्वियसली ये यहाँ का मटेरियल कम हो जाएगा ये और पॉइंटेड होगा जिसके वजह से कटिंग फोर्स कम लगेगा द वैल्यू ऑफ शेयर एंगल डिपेंड्स अपॉन शेयर एंगल कौन से इस पर डिपेंड है द आंसर इज ऑल ऑफ द अबो मीन्स वर्क पीस मटीरियल टूल मटेरियल कटिंग कंडीशन एंड जोमेट्री ऑफ द टूल ये सारे पे शेयर एंगल आपका डिपेंड है ये देखिए ये फाइव जो है ये है शेयर एंगल दिस इज शेयर एंगल शेयर एंगल मीन्स द एंगल बिटवीन शेयर प्लेन एंड द लाइन पैरल टू द वर्क पीस दैट इज नोन एज शेयर एंगल अब ये किस पे डिपेंड है वर्क पीस मटीरियल पे टूल मटेरियल पे जोमेट्री ऑफ द टूल ये सारे पे और कटिंग कंडीशन पे नेक्स्ट कॉन्टीन्यूस चिप फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू क्यू कॉन्टीन्यूअस चिप्स प्रोड्यूस होती है द आंसर इज मशीनिंग ऑफ ए डक्टाइल मटीरियल जब आप डक्टाइल मटीरियल मशीनिंग करते हो तो कॉन्टीन्यूअस चिप्स प्रोड्यूस होती है राइट right? ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया दिस इज कॉन्टीन्यूस चिप्स दिस इज डिसकॉन्टीन्यूअस चिप्स एंड दिस इज चिप्स विद बिल्टअ अपेज नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कटीन्यूस चिप फॉर्मेशन

ओके सेगमेंटल चिप्स मतलब डिसकंटिन्यूअस चिप्स ये कब प्रोड्यूस होती है सो so, ये प्रोड्यूस होती है कास्ट आयरन में अगर आप कोई ब्रिटल मटेरियल का मशीनिंग कर रहे हो जैसे कि कास्ट आयरन है तो डिस्कंटिन्यूस चिप्स होंगी वही अगर माइल्ड स्टील का आप मशीनिंग कर रहे हो तो कंटिन्यूस चिप्स होंगी एल्यूमिनियम अगर आप मशीनिंग कर रहे हो तो कंटिन्यूस चिप्स प्रोड्यूस होंगी नेक्स्ट क्वेश्चन वैन द कटिंग एज ऑफ द टूल इज डल देन ड्यूरिंग मशीनिंग ओके वैन द कटिंग एज ऑफ द टूल इज डल देन ड्यूरिंग मशीनिंग कॉन्टीन्यूस चिप्स विथ बिल्टअ अप एज आर फॉर्म ओके अगर आपका कटिंग एज जो है वो ब्लंट हो गया है वो डल हो गया है तो उस केस में क्या होगा आपको कंटिन्यूस चिप्स मिलेंगी विथ बिल्टअ अप एज अगर उसकी धार कम हो गई है कटिंग एज की तो आपको क्या मिलेगा कंटिन्यूस चिप्स मिलेंगे लेकिन बिल्टअप एज आपको दिखेगा वहाँ पर देन द रेक एंगल रिक्वायर टू मशीन ब्रास बाय हाई स्पीड स्टील टूल द आंसर इज जीरो जब भी आप ब्रास का मशीनिंग कर रहे हो एच एस एस टूल के साथ तो आपको रेक एंगल जीरो रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन द लीप एंगल ऑफ ए सिंगल पॉइंट टूल इज यूजली इसका आंसर है सिक्सटी टू एटी डिग्री लीप एंगल जो है वो होना चाहिए सिक्सटी टू एटी डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन द एवरेज कटिंग स्पीड फॉर टर्निंग ब्रास विथ हाई स्पीड स्टील टूल इज द आंसर इज सिक्सटी टू नाइन्टी मीटर पर मिनट

देखिए ये जो है ये पोर्शन इस पोर्शन में होगा क्रेटर वेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इन द रिलेशनशिप वी टी रेस टू द पावर एन इक्वल टू सी द वैल्यू ऑफ एन फॉर कार्बाइड टूल इज ये टूल लाइफ कैलकुलेट करने का रिलेशन है सो so इसमें एन की वैल्यू फॉर कार्बाइड टूल कितनी रहती है ये पूछा है सो so एन की वैल्यू रहती है पॉइंट टू टू पॉइंट टू फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन वाइल मशीनिंग विच ऑफ़ द फॉलोइंग इम्प्रूवज द सर्फेस फिनिश ओके अगर आप मशीनिंग कर रहे हो तो इसमें से कौन है जो सर्फेस फिनिश इम्प्रूव करता है सो द आंसर इज इंक्रीज कटिंग स्पीड हाई कटिंग स्पीड पर आपको हमेशा अच्छा फिनिशिंग मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन एंगल बिटवीन साइड कटिंग एज एंड एक्सिस ऑफ द टूल इज नोन एज द आंसर इज साइड कटिंग एज एंगल ओके साइड कटिंग एज एंगल सो यह हो गया साइड कटिंग एज एंगल द एंगल बिटवीन साइड कटिंग एज देखिए यहाँ पे ये साइड कटिंग एज एज दोनों सेम रहने वाली है सो एंगल बिटवीन साइड कटिंग एज एंड द लाइन विच इज़ पैरल टू एक्सिस ऑफ द टूल ये एक्सिस हो गया विच इज पैरल टू एक्सिस ऑफ द टूल इसे कहते हैं साइड कटिंग एज एंगल क्योंकि ये यहाँ पे भी थोड़ा झुका हुआ है अंदर तो इन दोनों के सरफेस में ये सरफेस और ये सरफेस इन दोनों के सरफेस में जो एंगल फॉर्म होता है उसे कहते हैं साइड कटिंग एज एंगल then the angle between the rake face flank of the tool and perpendicular line drawn from the cutting tool to the base of the tool is known as देखिए ये अच्छे से पढ़ना होगा आपको द एंगल बिटवीन द रेक फेस फ्लैंक ऑफ द टूल एंड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द कटिंग पॉइंट टू द बेस ऑफ द टूल इज नोन एज साइड रिलीफ एंगल सो साइड रिलीफ एंगल मैं आपको दिखा देता हूँ ये है साइड रिलीफ एंगल ठीक है और ये हो गई उसकी डेफिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन स्मॉल नोज रेडियस स्मॉल नोज रेडियस अब ये पढ़ लीजिए ऑप्शन सो आंसर है रिजल्ट इन एक्सेसिव स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड ग्रेटर हीट जनरेशन अगर आपका नोज रेडियस स्मॉल है ओके नोज रेडियस आपने ज़्यादा प्रोवाइड नहीं किया है तो क्या होगा तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ेगा मतलब वो बहुत पॉइंटेड है वहाँ पे कम मटेरियल है सो स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और ज़्यादा हीट भी जनरेट होगा ओके okay? सो so यहाँ पे आप देख सकते हो नोज़ रेडियस इसे कहते हैं नोज़ रेडियस यहाँ पे ये देखिए एक्जैक्टली ऐसे नहीं कि पॉइंटेड है कुछ रेडियस यहाँ पे प्रो, प्रोवाइड किया है अगर ये रेडियस बहुत कम है मतलब वो पॉइंटेड है राइट right? रेडियस बहुत कम है वहाँ पे रेडियस अगर ज़्यादा है मतलब वो कम पॉइंटेड है राइट right? रेडियस अगर कम है मतलब वो बहुत ज्यादा पॉइंटेड है अगर बहुत ज्यादा वो पॉइंटेड है तो उसके इसमें क्या होगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द कटिंग फ्लूड मोस्टली यूज फॉर मशीनिंग स्टील इज कौन सा सबसे ज्यादा कटिंग फ्लूड यूज होता है द आंसर इज सोल्यूबल ऑयल सोल्यूबल ऑयल सबसे ज्यादा यूज होता है एज अ कटिंग फ्लूड नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन विथ ए सीमेंटेड कार्बाइड एंड स्टील कॉम्बिनेशन हैविंग ए टेलर एक्सपोनन्ट पॉइंट टू फाइव इफ द कटिंग स्पीड इज हाफ दिन द टूल लाइफ विल बिकम द आंसर इज सिक्सटीन टाइम ओके सो सिंगल पॉइंट से आप मशीनिंग कर रहे हो आप टेलर एक्सपोनन्ट तो रिलेशन आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था वी टी रेस टू द पावर एन इक्वल टू सी सो उसमें अगर मैंने जो एक्सपोनेंट है वो अगर पॉइंट टू फाइव लिया है और कटिंग स्पीड को मैंने हाफ किया है तो उस केस में टूल लाइफ जो है वो सिक्सटीन टाइम हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द एंगल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल डिपेंड इज कौन से एंगल पे आपके कटिंग टूल की स्ट्रेंथ डिपेंड है द आंसर इज रेक एंगल रेक एंगल अगर आप बढ़ाओगे तो वहाँ पे कम मटेरियल होगा तो स्ट्रेंथ कम होगी रेक एंगल अगर आप कम करोगे बैक रेक एंगल अगर आप कम करोगे तो वहां पर मटेरियल ज्यादा बढ़ेगा मतलब टूल लाइफ बढ़ेगी मतलब स्ट्रेंथ बढ़ेगी नेक्स्ट क्वेश्चन इन मेटल कटिंग यूज ऑफ लो फीड एंड हाई कटिंग स्पीड इज डिजायड वेन द ऑब्जेक्टिव इज ओके इन मेटल कटिंग यूज ऑफ लो फीड फीड आप कम दे रहे हो और हाई कटिंग स्पीड है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है सरफेस फिनिश अगर आपको अच्छा सरफेस फिनिश चाहिए तो आप फीड कम दोगे और स्पीड बढ़ाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टीन्यूअस चिप्स विथ बिल्टअअप एज इज लो कटिंग स्पीड स्मॉल रेक एंगल ओके अगर कॉन्टीन्यूअस चिप्स विथ बिल्टअ अप एज प्रोड्यूस हो रही है मतलब आप क्या कर रहे हो आप लो कटिंग स्पीड यूज कर रहे हो आपने स्पीड बढ़ाना चाहिए एंड स्मॉल रेक एंगल आपके कटिंग टूल का जो रेक एंगल है वो भी छोटा है रेक एंगल को आपको बढ़ाना पड़ेगा रेक एंगल आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि आपने कटिंग टूल तो ले लिया है सो यू हैव टू इंक्रीज द कटिंग स्पीड नेक्स्ट क्वेश्चन द एंगल बिटवीन द शीयर प्लेन एंड ब्लैंक स्पेस इज कॉल्ड अ शीयर एंगल ओके सो ये जो है ये फाई फाई इज़ नोन एज शीयर एंगल दिस फाई इज नोन एज शीयर एंगल सो द एंगल बिटवीन शीयर प्लेन ये हो गया शीयर प्लेन सो द एंगल बिटवीन द शीयर प्लेन एंड द वर्क सर्फिस ये हो गया वर्क सर्फेस राइट ये हो गया वर्क सर्फेस तो उसे कहेंगे शियर एंगल नेक्स्ट क्वेश्चन द रेक एंगल रिक्वायर्ड टू मशीन ब्रास बाय हाई स्पीड स्टील टूल इज सो यू ऑलरेडी डिस्कस हुआ दैट इज जीरो डिग्री देन द डिस्टेंस ऑफ ए ड्रील एडवांस इन टू द जॉब इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन देखिए उसे कहेंगे फीड मतलब जॉब का अगर एक रोटेशन हो रहा है जितना टूल आपका एडवांस हो रहा है उसे फीड कहेंगे अगर आप ड्रिलिंग कर रहे हो तो आपका वर्क पीस फिक्स रहेगा तो एक रिवोल्यूशन में ड्रिल बिट कितना पास हो रहा है वर्क पीस के अंदर उसे कहेंगे आप फीड नेक्स्ट क्वेश्चन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द टूल फ्रॉम रबिंग द वर्क ब्लैंक स्पेस ऑन द टूल इज प्रोवाइडेड सो रिलीफ एंगल इज प्रोवाइडेड देखिए यहाँ पे ये जो है अल्फा ये हो गया आपका रिलीफ एंगल अब ये अगर मैंने प्रोवाइड नहीं किया ये अगर अंदर झुका हुआ नहीं होता ये अगर एग्जैक्टली ऐसे परपेंडिकुलर होता तो ये फेस कॉन्टैक्ट ये जो फेस है फेस नहीं कहेंगे ये जो सरफेस है ये कॉन्टैक्ट में आएगा वर्क पीस पे राइट तो वहाँ पर रबिंग हो सकता है इसीलिए रिलीफ एंगल प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हो देखिए ये जो सरफेस है ये कुछ एंगल पे है अगर मैंने मान लो ऐसे ही फ्लैट बनाया रहता इस वर्क पीस के सरफेस को उसको बड़ा कर देते हैं इस सरफेस को अगर मैंने ऐसे फ्लैट किया रहता हॉरिजॉन्टल किया रहता तो ये सरफेस कॉन्टेक्ट में आया रहता जिसके वजह से ये मशीन सरफेस आपका खराब हुआ रहता तो उसे कहते हैं क्लियरेंस एंगल या फिर रिलीफ एंगल एंड द लास्ट क्वेश्चन कास्ट आयरन ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोड्यूसेस इट प्रोड्यूसेस डिसकंटिन्यूस चिप्स बिकॉज कास्ट आयरन इज ए ब्रिटल मटीरियल सो वाइल मशीनिंग ब्रिटल मटीरियल यू गेट डिसकॉन्टीन्यूअस चिप्स सो ये आज के क्वेश्चन थे इस वीडियो में अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है पूरी प्ले लिस्ट मेरे चैनल पर जाइए प्ले लिस्ट विजिट कीजिए और ये सेम प्लेलिस्ट आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू